गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह का टाइम है, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू के पराठे। तो फ्रेंड्स, आज जो है मुझे ब्रेकफास्ट बनाना थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी अब बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं सोच रही थी कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है आलू वगैरह बॉईल कर लिया। तो मुझे जो है ये आलू का पराठा बनाना इजी लगता है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है आज ब्रेकफास्ट में मैंने आलू के पराठे ही बना लिए। तो बस अब जो है ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है। तो अब जो है ब्रेकफास्ट होने के बाद जो है अब आ गई है बर्तनों की बारी। तो अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। तो बर्तन वगैरह साफ करके जो है जल्दी जल्दी जो है गैस वगैरह मैं साफ कर लेती हूँ। अब किचन की थोड़ी सी सफाई करने के बाद फिर थोड़ी देर जो है मुझे थोड़ा रेस्ट मिलता है, तो उसके बाद थोड़ी देर मैं धूप में बैठूँगी। और आज जो है अच्छी धूप लगी हुई है। तो अभी दोपहर का टाइम है, तो अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और मैं किचन में अब कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो अभी मैं पहले काट रही हूँ ये फ्रूट वगैरह काट लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर अब करती हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो जो है आज लंच में मैं बना रही हूँ दाल चावल और चिकन। तो पहले मैं जो है दाल में जो है मसाला वगैरह डाल देती हूँ। दाल मैंने इंडक्शन में रख लिया हुआ है, तो दाल में जो है मैं धनिया और हल्दी वगैरह डालकर, इसमें नमक वगैरह डालकर जो है इसको मैं दाल पहले बिठा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं करती हूँ चिकन बनाने की तैयारी। तो आज जो है मैंने मिक्स दाल बनाया है, चने की और माह की दाल। तो दाल को जो है मैंने पहले ही भिगोने के लिए रख दिया था। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट के लिए जो है हींग। तो आज जो है इसमें सीसी में जो है मेरा नमक भी हो गया था ख़त्म, तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो इसमें नमक रख देती हूँ मैं। और ये हरा धनिया, इसको भी मैं जो है थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं इसको एयर टाइट के डब्बे में मैं इसको रख लूँगी, ताकि फिर ये जो है ख़राब ना हो। इसको अभी मैं नहीं धोऊँगी, इसको जब भी मैं यूज़ करूँगी तब ही इसको मैं धोऊँगी। तो ये है, फिर आप इसको जो है एक हफ्ते तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर इसको धोकर हम डाल देंगे तो फिर ये जो है ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने अभी जितना यूज़ करना है मैं उतना निकाल लूँगी, और उसके बाद जो है मैं इसको धनिया को एयर टाइट के डब्बे में मैं इसको रख दूँगी।
तो अब मैं चिकन बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो इसके लिए जो मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको मैं काट लेती हूँ पहले। और उसके बाद जो है मैंने कढ़ाई को भी जो है मैंने गैस में रख लिया हुआ है। तो कढ़ाई जो है वो हो गई है गर्म। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तो अब सरसों के तेल में तेल जो है ये गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने अजवाइन जो है 2 छोटे चम्मच डाल दिया है। अजवाइन जो है थोड़ा सा भुन जाने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी कटा हुआ प्याज और 1 हरी मिर्च। तो प्याज को जो है थोड़ा गोल्डन होने तक अच्छे से भून लेते हैं। और मैंने जो है टमाटर भी काट कर रख लिया हुआ है। तो प्याज को जो है मैं थोड़ा भून लेती हूँ गोल्डन कलर आने तक। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जो है हल्दी का पाउडर। तो इससे जो है अच्छा कलर भी आ जाता है। तो प्याज जो है भून जाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है चिकन। तो चिकन को भी जो है अच्छे से भून लेते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 तेज पत्ता, इससे जो है बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। अब ये चिकन जो है अच्छे से भुन गया है। तो अब इसके बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर को भी जो है अच्छे से भून लेते हैं। और इसमें मैंने जो है लहसुन भी डाल दिया हुआ है। तो अब जो है चिकन जो है मेरा बन रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा लो फ्लेम में रखा है और अब मेरा जो है दाल भी बनकर तैयार है। और मैंने जो है गैस में चावल चढ़ा दिया है। तो अब मैं जो है पतीले में पानी भी गर्म करने के लिए रखा है मैंने। तो गर्म पानी मैं चावल में भी डालूंगी और चिकन में भी जो है थोड़ा गर्म पानी डाल दूंगी मैं। अब सर्दियों के दिन में ऐसा होता है कि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो इससे जो है खाना बनने में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं जो है जब भी लंच वगैरह डिनर जो भी अगर सब्ज़ी वगैरह बनाना हो तो सर्दी के दिन में मैं हमेशा जो है पानी गर्म ही डाल देती हूँ। तो अब ये चिकन भी अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें डाल लेते हैं मसाला वगैरह। 2 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और हल्दी मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच, क्योंकि हल्दी जो है मैंने इसमें पहले भी डाल रखा है, और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च। तो अब इन मसालों को भी जो है अच्छे से भून लेते हैं। तो मैं अब बना रही हूँ थोड़ा सा मसाला। मैं इसमें ले रही हूँ मैं 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा पाउडर और चिकन मसाला, और मेरे पास है थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। तो कलर के लिए जो है मैं इसमें 1 चम्मच के करीब जो है इसमें मैं कश्मीरी मिर्च भी डालूँगी, इससे जो है कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा। सभी मसाला को जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने से क्या होगा कि ये जो है मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चिकन में जो है मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, इसको ठीक ठीक ही मैं जो है इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा ग्रेवी बनाऊंगी और इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। और फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद जो है ये चिकन जो है लगभग बनकर तैयार है। तो अभी जो है लंच वगैरह सभी बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने सोचा कि जो है मैं थोड़ी सी चटनी बना लूं। तो मैं बना रही हूँ धनिया की चटनी। तो धनिया को जो है मैंने काट लिया है बारीक, और मूली को भी मैंने बारीक काट लिया है। तो धनिया, मूली और हरी मिर्च और नमक डालकर जो है मैं इसको पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा लंच वगैरह भी हो गया था, तो
अभी मैंने बर्तन वगैरह सभी साफ़ कर लिए और अभी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं अब कल नए ब्लॉग में, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।